गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यस्टरडे वी हैव लर्न्ड अबाउट प्रेशर। प्रेशर की डिफाइन आई थी कल, तो प्रेशर की डिफाइन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर, एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। वो जहाँ पे, जो भी जगह पे वो एक्ट करता है, वह जगह का एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है। देन आगे का टॉपिक आज चलाएंगे हम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस से भी प्रेशर एक्सर्टेड होता है, तो उसके लिए एक्टिविटी है। सो एक्टिविटी क्या है पहले समझ लो। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। तो प्लास्टिक पाइप लो, जैसे कि यहाँ पे दिखाई है ऐसी। सो प्लास्टिक पाइप भी ले सकते हो या तो ट्यूब भी ले सकते हो ऐसी आप कांच की। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, एंड इस डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन सीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। अच्छे क्वालिटी के रबर का टुकड़ा भी आप लो, से अ रबर बलून, या तो रबर बलून भी ले सकते हो। स्ट्रेच द रबर सीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। पाइप के एक छोर पर आपको ऐसे रबर का टुकड़ा आपको बांध देना है, टाई करना है, बांध देना है वहाँ पे। ओके, होल्ड द पाइप, होल्ड द पाइप एट द मिडल। मिडल से उसको पकड़ना है, कीपिंग इन अ वर्टिकल पोजीशन, सीधी पोजीशन में रखना है उसको। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पॉर सम वाटर इन द पाइप। आपके दोस्त को बोलना है कि भी इसके अंदर वाटर पॉर, मतलब उसके अंदर पानी डालो। डज द रबर सीट बल्ज आउट, मतलब रबर सीट नीचे की तरफ झुके बाहर निकलेगी। बल्ज आउट मतलब बाहर निकलेगी। डज द रबर सीट बल्ज आउट, यस। नॉट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। पाइप के अंदर वाटर कॉलम की हाइट भी आप नोट करो। देन पॉर सम मोर वाटर, थोड़ा ज़्यादा पानी डालो। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर सीट। तो रबर सीट का जो बल्ज है वो नीचे की तरफ जो निकलता है बाहर, वो ज़्यादा निकल रहा है, बल्ज आउट हो रहा है। एंड अगेन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। पाइप की हाइट फिर से उसको चेक करो। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्यू मोर टाइम्स। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर सीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन पाइप। तो दोनों के बीच में आपको कोई रिलेशन दिखता है? यस। तो जब कम पानी डालोगे तो बल्ज कम होगा, जितना पानी आप ज़्यादा डालोगे तो बल्ज बड़ा होगा, मतलब कि रबर के ऊपर वाटर का क्या होगा, प्रेशर होगा। और हाइट जो होगी पानी की वो कम होगी, तो पानी की हाइट लेस होगी, रिड्यूस होगी, और बल्ज जो होगा बलून का वो बड़ा होगा। यू कैन सी इन दिस फिगर क्लियरली। तो ये एक्टिविटी का मतलब क्या था? तो ये एक्टिविटी समझने का मतलब यह था कि वाटर का भी प्रेशर कोई भी प्रोडक्ट के या तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, मतलब लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो वी आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली, लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ एक्टिविटी 11.9। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। पानी निकाल के या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल भी आप ले सकते हो। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, इसकी फिगर मैं आपको दिखाऊँ, ऐसी फिगर है। तो ऐसे नीचे की साइड आपको एक ग्लास ट्यूब लगानी है, और साइड में आपको एमसील लगा देना होगा जिससे पानी वहाँ से लीकेज ना हो। सो अनदर एक्टिविटी है, सो सी हियर, उसके बारे में यहाँ दिखाया हुआ है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। फिक्स सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, नीचे की तरफ आपको सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब को फिट करनी है। अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 11.15। 11.15 में जैसे नीचे ग्लास ट्यूब लगाई हुई है, ऐसे ग्लास ट्यूब आपको फिट करनी है बॉटल में। तो ग्लास ट्यूब को गर्म करके आप वहाँ लगाओगे, और साइड में किनारी जो होगी वहाँ पर आपको एमसील लगा देना है जिससे वाटर लीक ना हो। यू कैन डू सो बाई स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब को एक साइड से गर्म करके आप लगा सकते हो, एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, और बॉटल के नीचे आप लगा दो। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। श्योर रहना है आपको कि पानी जॉइंट में से लीक नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मॉल्टेन वैक्स। मॉल्टेन वैक्स मतलब एमसील जो होती है, ऐसे जो भी मॉल्टेन वैक्स हो उसको आपको वहाँ लगा देना है। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर सीट। उसका माउथ, उसका ऊपर का हिस्सा थिन रबर सीट, पतली रबर सीट से आपको ढंक देना है, जैसे आगे की एक्टिविटी में, प्रीवियस एक्टिविटी में किया। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर, आधा पानी उसमें भर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाई द रबर सीट
फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम. तो इसमें भी रबर सीट बल्ज होगी, मतलब फूलेगी. पॉर सम मोर वाटर इन द बॉटल, पानी ज़्यादा अंदर डालो, जितना पानी ज़्यादा डालोगे तो बल्ज सीट थोड़ी ज़्यादा फूलेगी, मतलब रबर सीट जो है बलून जो है फूलेगा थोड़ा. सो लिक्विड एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो हमेशा लिक्विड जो होता है उसकी वॉल पे भी प्रेशर करता है, ये हमको ये एक्टिविटी से पता चला. एज इट इज नेक्स्ट फिगर भी जो आप देख रहे हो, इसमें चार साइड से चार होल कर दिए, एक ही लेंथ पे चारों होल किए, तो चारों साइड जितना भी प्रेशर होगा इक्वल प्रेशर होगा. मतलब ये हमको सीखना है लिक्विड एक्सेप्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. तो सेम गहराई पे जितनी गहराई होगी सेम गहराई पे सेम प्रेशर वो लगाएगा लिक्विड. सो लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये आप एक्टिविटी 11.10 में है जो आप देख लेना. ये तो 11.10 में क्या हुआ है, नीचे की तरफ चार होल किए हैं तो सब चारों साइड इक्वल हाइट पे होल किए हैं तो इक्वल हाइट पे प्रेशर इक्वल होगा. सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. यस एज इट इज हमारा अनदर क्वेश्चन है, डू गैसेज ऑल्सो एक्सेप्ट प्रेशर. क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब गैसेज से भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है. सो डू दे ऑल्सो एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. यस. सो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ. व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, जब आप बलून को फुलाते हो बाद में उसका माउथ उसका ऊपर का हिस्सा क्यों बंद कर देते हो, अगर छोड़ दोगे तो हवा निकल जाएगी. सो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ. व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड बलून का माउथ खोल दोगे तो क्या होगा, बलून अचानक से उड़ के भाग जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा. सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल, अगर बलून में होल होगा तो क्या होगा, वहाँ से हवा निकलेगी. मीन्स वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, उसको फुलाना क्या एबल, मतलब फुला सकते हो आप, नो. सो वाई, तो कैन वी से दैट एयर एक्सेप्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. तो इसका कारण यह है कि एयर एक्सेप्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो एयर जो होती है हर एक डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सेप्ट करती है. सो ये आपने अच्छे से सीखा. सो गैसेस टू एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. गैसेस भी जो होते हैं एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर, तो उसके कंटेनर की जितनी वॉल्स होती है वहाँ पर भी वह प्रेशर करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसके बारे में हम कल सीखेंगे. थैंक यू.